मैं हूं श्रुति एंड वेलकम टू माय सेकंड नेचर लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि हम सब अनियंस हैं जितनी लेयर्स खोलते जाएंगे उतनी ही लेयर्स पाएंगे कितनी बार ऐसा होता है मेंटल अवेयरनेस को बदलने के लिए वीसी पोस्ट्स फॉरवर्ड्स या अपडेट्स बट हम टाल देते हैं ये सोच के दैट व्हाई डू आई नीड दिस मुझे तो कोई बीमारी है नहीं देन वन डे व्हेन वी आर सुपर sad या depressed तब लगता है कि व्हाट इफ बट पूछेंगे किससे So, आज ऑन अ वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ माइंडेड हम बात करेंगे विद डॉक्टर श्वेताम्बरा सबरवाल जो कि हैं एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट पिछले 16 साल से शी इज बिन प्रैक्टिसिंग इन मुंबई एंड शी शीज बिन अफिलिएटेड विद बहुत वेल नोन स्कूल्स हॉस्पिटल्स मीडिया चैनल्स चैनल इनफैक्ट उन्होंने अब नॉर्मल साइकोलॉजी सिखाई भी है शी शीज टू टीच एट कॉलेज एंड राइट्स एटमिट ही टॉप न्यूज पेपर ऑफ द कंट्री वाओ राइट द बेस्ट पार्ट इज दैट शी हैज़ अ काउंसलिंग सेंटर कॉल्ड माइंड क्राफ्ट

you know psychology happened to me and uh, you know how they say whether it happens early or late sometimes there's only that first love and uh, once i figured psychology i just i couldn't look i couldn't take my eyes off the subject and clearly, what a good good job you've done because, like, with you know, Minecraft and everything, it's phenomenal. And abhi toh, I have this is just the tip of the iceberg. You know, there is so much more you have done. Which I think, slowly, like you said, onion we peel. Karenge. Hopefully, nobody will cry. So yeah, that'll be good. So, chalo, yeah. let's dive straight into it. There is a notion that you know, only when things get really serious. लाइक like, जब मेजर केमिकल इम्बैलेंस होते हैं या हैलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाएं या बिल्कुल ही मतलब ब्रेकडाउन का कोई एपिसोड हो जाए सिर्फ तभी थेरेपी की जरूरत है सो आई वांट टू नो व्हाट्स योर टेक ऑन इट आपके हिसाब से हु आर द पीपल हु जेन्युइनली नीड थेरेपी एंड व्हेन श्रुति ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है मैं इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके आंसर करने की कोशिश करूंगी Okay. सबसे पहली चीज होती है आ, कि किसी को मेडिकल नीड हो जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स दिए जिसमें कभी हेलोसिनेशन होते हैं किसी को बाइपोलैरिटी या सिर्फ डिप्रेशन होता है एंगजायटी डिसऑर्डर्स ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत सारे आ, ऐसी अब हैं जिसमें लोगों को साइकिया या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की इमिडियटली नेसेसिटी होती है आ, तो एक तरफ तो हम उसे ट्रीट करते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास भेजकर मेडिसिन से अगर ये कोई इमरजेंसी है और उसी के साथ साथ इन टैंडम हम लोग साइकोथेरेपी करते हैं ताकि वो धीरे धीरे खुद भी स्ट्रोंग हो पाए और हम उनकी मेडिकेशन टेपर डाउन कर पाए और उन्हें वापस रिहेबिलिटेट कर पाए इनटू तो अ नॉर्मल लाइफ करेक्ट दूसरी कैटेगरी है साइकोलॉजिकल नीड्स कई बार लाइफ में पास्ट में ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं जैसे कि अब्यूज कभी बहुत सिवियर बुलिंग के इंसीडेंसेज uh, हो जाते हैं और या फिर कभी कभी uh, लोगों के ऐसे परसेप्शन होते हैं एक नॉर्मल लाइफ के या किसी रिलेशनशिप uh, के कि उनको उससे काफ़ी दुख पेन डिसअपॉइंटमेंट uh, डिजेक्शन uh, रहता है uh, आगे जाकर उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होना ऐसे जो सॉफ्टवेयर बट काफी डिबिलिटेटिंग इश्यूज होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं उसके लिए भी साइकोथेरेपी की जरूरत होती है आ, और थर्ड जिसे कि मैं सबसे ज्यादा एम्पावरिंग कैटेगरी मानती हूँ वो है थेरेपी आउट ऑफ चॉइस वो ऐसे कई लोग हैं जो अब हमारे पास आते हैं ये कहकर कि मैं अपने सेल्फ पर आ, काम करना चाहती हूँ या आ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बेटर पर्सन बन सकता हूँ मैं मोटिवेटेड रहना चाहता हूँ या uh, मैं वेट लूज करना चाहती हूँ ऐसे कई सारी चीजें हैं जो uh, हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि वो हमारी डेली फंक्शनल फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो काफी इंसाइटफुल हैं प्रोग्रेसिव हैं और वो भी हमारे पास आते हैं तो थेरेपी का कोई एक कारण Uh, नहीं होता है uh, मैं हमेशा कहती हूँ जैसे हमारी बॉडी में कभी कोई तकलीफ आ जाती है हम हमें मिनट नहीं लगते डॉक्टर को फोन करने के लिए पर हमारी बॉडी बोन्स मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स यू नो के अलावा थॉट्स और इमोशंस से भी बनी है और जहां थॉट्स और इमोशंस में कोई इम्बेलेंस आएगा तकलीफ आएगी वहां पर आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत लगेगी और डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट को uh,

Mm. कुछ लोग तो पार्टीज में जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे डिमांडिंग एंड mm. उनको देख के वी आर लाइक माई गॉड लुक दैम हाउ मच यू नो सो वी पास जजमेंट ऑन दैम सो लेकिन वैन वी फील दिस एंटायर रेंज ऑफ इमोशन हाउ डू वी नो कि अब नाउ इज द टाइम वैन हमें प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए या नाउ इज वैन इंटरवेंशन जरूरी है बिकॉज हाउ डज वन डिफरेंशिएट एवरी डे इमोशंस इन टू के यार अभी कुछ गड़बड़ हो रही है थैंक यू फॉर द लवली क्वेश्चन श्रुति ये बहुत ही अः uh, सिग्निफिकेंट है हम सबके लिए क्योंकि आज तक साइकोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे एरिया में uh, हमारे सब्जेक्ट uh, में यही है कि हमारे पास कोई डेफिनेटिव ऑर्गन नहीं है पढ़ने के लिए जैसे कि साइंस में आप यू कैन स्टडी द बायोलॉजी ऑफ एन आई द फिजियोलॉजी ऑफ यू नो द हार्ट एंड द लंग्स एंड द द एंड एंड लिवर बिकम अ स्पेशलिस्ट माइंड कोई ऑर्गन नहीं है थॉट्स एंड इमोशंस इनविजिबल होते हैं और mm. बहुत सब्जेक्टिव होते हैं और उनकी बहुत बहुत बहुत, 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 बहुत बड़ी

हम सुबह उठते हैं uh, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं कुछ लोग काम पे जाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं uh, uh, you know, खाना पीना सोना एक्सरसाइज करना फ्रेंड से मिलना uh, right. पार्टीज में जाना शॉपिंग करना घर को देखना जहां आपको लगे कि आपकी कही न कहीं ना कहीं फंक्शनैलिटी इफेक्ट हो रही है फॉर एग्जाम्पल मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं क्लोस्ट्रोफोबिया या घबराहट हो रही है दैट इज इफेक्टिंग योर फंक्शनैलिटी अगर आपको लगता है कि मैं मेरा बच्चा बर्थडे पार्टी में जाने से बहुत घबराता है रोता hmm. है या स्कूल नहीं जाना पर, जाना चाहता तो इसका मतलब hmm. उस बच्चे की फंक्शनैलिटी इफेक्ट हो रही है उट ऑफ वेड इन द मॉर्निंग कैन यू इमेजिन दैट स्टेट इसका मतलब आपकी रूटीन में आपके फंक्शनैलिटी में कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है एंड दैट इज द वे फॉर यू टू स्टार्ट लुकिंग बैक की ये हो क्या रहा है और इसके लिए मुझे किसी न किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए hmm.

Uh, हम सभी शायद पाँच छह महीने से हमारी सोशल एक्टिविटीज कम है सोशल आइसोलेशन है कभी लॉकडाउन हो जाता है कभी नहीं कम्पेयर टू अर्लियर हमारी सोशल एक्टिविटीज आर प्रोबेबली एट वन फोर टू नील इफ वी वर टू वो इट अब ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पीरियड को इजीली निकाल पा रहे हैं निभा पा रहे हैं यू नो थेरेपी में कहते भी हैं uh, कि सिर्फ ये ही नहीं कि हमें कोई मुश्किल नहीं आ रही हमें अच्छा भी लग रहा है कि हम हमारे परिवार के साथ Exactly. और कुछ लोग हैं जो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब डिप्रेस्ड hmm. तो पॉइंट है वो ये है कि हम एक ही स्टेम्यूल से हमारे कई अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं hmm. और इसे हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं हम एक जन स्ट्रेस से कैसे निकले और दूसरा जन उस स्ट्रेस को कैसे परसीव करता है उससे कैसे निकलता है वो हमारी एक यूनिक कैपेसिटी होती है हम्म तो इट्स उसको कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल कंपेयर हाँ. नहीं करना चाहिए जैसे मैं कह रही हूँ कई ऐसे लोग हैं जो इस आइसोलेशन से बहुत खुश हैं वो पर वो थेरेपी में है कुछ तो कारण होगा कि वो कुछ दूसरी चीज हैंडल नहीं कर पा रहे उनको काम का बहुत स्ट्रेस है या उन्हें पैनिक अटैक्स हो रहे हैं उनको आइसोलेशन से प्रॉब्लम नहीं है पर पेंडेमिक से बहुत ज्यादा डर है सो so, हर स का एक अलग परसेप्शन होता है और उस परसेप्शन की वजह से हमारी लाइफ में राइट so, या, weak, कोई भी right या नहीं होता। uh, हमें ट्रबल uh, कर रही है hmm. उस चीज को हैंडल करने के लिए बेटर कोपिंग मेके लिए स्ट्रेटाइज करने के लिए प्रोफेशनल्स को अप्रोच uh, करना चाहिए सो वरफुलट सोफुल Sometimes we know कि, you know, किसी की लाइफ ग्रोथ उनकी परसेप्शन की वजह से रुकी हुई है स्पेशली यहाँ मैं बात कर रही हूँ आई एम कमिंग क्लोजर नाउ टू अलोजर ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स फैमिली तो अब क्योंकि वे वे स्पेंडिंग सो मच टाइम एट होम विथ फैमिली आप यू नो सबको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो एंड एज यू कीप ऑब्जर्विंग यू रियलाइज कि नहीं यहाँ पे मे भी इनको मदद की जरूरत है mm. लेकिन एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास Thank जाना मतलब यू नो इट्स इवन डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट अप क्योंकि सोशल hmm. नॉर्म्स उसको एक टैबू बना दिया है कि हाउ कैन यू वन बात कैसे करो इसके बारे में श्रुति मेरे हिसाब से आ, हम लोग ना सोशल रिलेशनशिप्स और लव रिलेशनशिप्स में डरते बहुत हैं hmm. हमें सीधा सीधा सीधी बात करने में हमें बहुत मुश्किल महसूस होने लग गई है और एंड दिस इज नॉटिंग डिवेलप दिस इज एन एवोल्यूशनरी थ्योरी जहां पे धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हुई uh, हम लोग इवॉल्व हुए हमने अपने सोसाइटल नॉर्म्स बनाए ऐसे बात करनी चाहिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए okay. पिछले कुछ दस बीस सालों में डिप्लोमेसी को मतलब टॉप ऑफ दिस्ट ऑफ जैसे uh, जैसे कहते हैं ना क्वालिटीज रखा जाता yeah. है एंड आई सिग्निफिकली डिस इट जब हमें किसी की चिंता हो हमें सीधी सीधी बात उनसे करने में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए hmm. ये जो लॉस ऑफ रिलेशनशिप वो क्या सोचेंगे उन्हें कैसा लगेगा इस डर में मुझे लगता है हम हमारे परिवारों में हम जिनसे हम प्यार करते हैं हमारे फ्रेंड्स को ज्यादा डिससर्विस करते हैं एट द मोस्ट क्या होगा शायद वो टर्न अराउंड करके हमको बोलेंगे कि वी डेंट लाइक वॉट यू सेड वी आर नॉट रेडी फॉर इट परिस्क वर्थ टेकिंग कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं होती इसकी नॉलेज भी अगर मुझे नहीं होती और अपने किसी भी लवन में मैं ऑब्जर्व करती कि उन्हें थेरेपी की जरूरत है मैं उनके लिए अपॉइंटमेंट लेके उनको खुद लेके जाती hmm.

इन डूंग उनको ये याद दिलाना hmm. कि ऐसा मेरे लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है ये तो बहुत नॉर्मल है पर इसके प्रोफेशनल्स होते हैं hmm. इस तरीके की सपोर्ट देना इस तरीके की बातें करना इस तरीके से शेयर करना कि ये जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ये काफ़ी नॉर्मल है पर एट द सेम टाइम इसको प्रोफेशनली हमें एक बार पूछ लेना चाहिए की इसको कैसे डील करें आई थिंक सिर्फ सोचना मन में और हिचकिचाना आई थिंको आई थिंक द मोस्ट ब्रिलियंट थिंगउट इंटेंट एंड एक्शन कि सिर्फ इंटेंट में सोच लेना किसी के लिए बहुत अच्छा भाव रखना वो बहुत अच्छी बात है hmm. लेकिन जब तक यू नॉट गोइंग नहीं संवरता इफ टूम आई अच्छा कुछ वेरी गुड वेरी वेरी लेकिन मैंने खाना तो बना के खिलाया नहीं ना सो वट्स द पॉइंट हाँ सोचा दिमाग में सोचा बट वेर इज द एक्शन सो दिस इज ब्रिलियंट आई थिंक एवरी वन हम ऐसे सोचना शुरू करें द नेचुरली वी अप टेकिंग एन एक्शन एंड रस्ते खुल जाते हैं रिड ऑफ द स्टिग्मा आज आप अगर अपनी फैमिली में बैठ के ये चीज इन चीजों के बारे में ओपनली बात करोगे तो उसका बहुत अच्छा स्पिल ओवर इफेक्ट होगा Uh, हम वर्ल्ड right. लेवल पे स्टिग्मा रिमूव करने के लिए हमें पहले अपनी फैमिली से चालू करना पड़ेगा एब्सोल्युटली और अगर अभी सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गुडनेस तभी वो चीज स्प्रेड होगी सो नाउ माय वन लास्ट क्वेश्चन टू यू बिकॉज यू बीन सो अमेजिंग विद यू नो ऑल योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू यू ट आर दोज क्वेश्चन जो हमें खुद से रेगुलरली पूछने चाहिए सो दैट वी ऑल्सो यू नो कैन कीप अ चेक ऑन आर मेंटल हेल्थ कि हम हमें अगर बुखार नहीं है या अगर हमें चलने में तकलीफ होती है वी कीप चेकिंग ऑन यू नो कि बीपी सही है कि hmm. नहीं ये hmm. वो लेकिन मेंटल हेल्थ में ऐसा हम क्या कर सकते हैं टू कीप अ चेक ऑन आर सेल्स आई आंसर दैट विद थ्री सिंपल क्वेश्चंस ओके सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या मैं स्वस्थ हूं हूँ क्या मैं खुश हूं एंड थर्ड क्या मैं फंक्शनल हूं hmm. अगर हमारी लाइफ में हम तीन गोल बना लें हेल्थ हैप्पीनेस एंड फंक्शनैलिटी ये रो, खुद को रोज इन तीन गोल्स में इन्वेस्ट करें hmm. uh, तो शायद वो हमारे लिए एक हेल्दीएस्ट बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ एग्जिस्टेंस बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में जाएं तो श्रुति इट्स नेवर एंडिंग Uh -huh. But I think there are three simple things that that we need to have a good quality of life and and is health, happiness and functionality. बिल्कुल, बिल्कुल. Uh, अगर हमारे साथ हमारी हेल्थ हमारी अच्छी है अगर हम खुश हैं और हम अगर हम हमारी रोज की दिनचर्या को कम्प्लीट करने में सक्षम है hmm. वो हम कर पा रहे हैं तो आई थिंक वी the three necessary uh, concerns. एवरी डे लाइफ वाइल वी कैन फंक्शन प्रॉपरली एंड बाकी सब हम खुश भी हैं ऑन एन एवरेज सब कुछ सही चल रहा है यू नो लेकिन देन कम्स दो मोमेंट्स कुछ मोमेंट्स में जब हम मैनेज um, नहीं कर पाते या हमें कुछ मोमेंट्स में uh, इतना उठ नहीं अप्रोच अ थे हमें बिल्कुल थेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये फॉल करता है अंडर दस्ट बिटवीन इफ अगर हैप्पीनेस हमारी से दो घंटे के लिए भी कहीं गई तो क्यों गई <laughs> <आ>, एक थेरेपिस्ट <laughs> का जॉब ये भी होता है कि वो आपको इक्विप करें एम्पावर करें सही सोच के साथ सही परसेप्शन के साथ आ, जिनकी वजह से आप खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे wow. तो वेन आई से हेल्थ हैप्पीनेस और फंक्शनैलिटी इनमें काफी सारी चीजें मेरे हिसाब से 99.9 परसेंट चीजें किसी ना किसी इन कैटेगरीज में आ जाती है uh, अगर आप मेरे पास आओ और कहो कि uh, श्वतम्रा मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं दो घंटे तक उसके बाद नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती मुझे hmm. दो घंटा खुद को uh, शांति से कहीं कमरे में बंद करना पड़ता है नहीं तो uh, बिल्कुल भूकंप आ जाता है दिस इज नॉट एन एबनॉर्मलिटी क्योंकि दो घंटे बाद आप बिल्कुल बाहर निकलोगे exactly. और आप अपना काम अच्छी तरीके से करोगे या कुछ भी हो जाओ hmm. पर उन दो घंटों में जो आपने खुद पे बिताई hmm. उसे में अगली बार या दूसरों पर बिताई <laughs> उसे हम अगली बार कैसे प्रिवेंट करें Uh, वो जो ट्रिगर था मैं उसका क्या परसेप्शन ले सकती हूँ ताकि अगली बार मेरा इतना रिएक्शन इतना बड़ा ना हो hmm. और मैं खुद की हेल्थ को और किसी और के हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करूँ ट्रिगर्स uh, जो है हमारी लाइफ में वो कम नहीं होंगी काम की टेंशन हेल्थ की टेंशन बच्चों की टेंशन सोशल hmm. hmm. uh, टेंशन ये सब चीजें चलती ही रहेंगी आज जिस दौर में हम हैं आई थिंक हम लोग स्ट्रेस के पिनिकल पे हैं तो आई थिंक ये बहुत जरूरी टाइम है हम सबके लिए ये समझना कि ट्रिगर्स हमेशा रहेंगे ट्रिगर्स कभी कभी काफ़ी हद तक बढ़ भी सकते हैं पर अगर हमारी उनके बारे में सोच सही हो रैशनल हो लॉजिकल हो जो हम हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में उस पर फोकस्ड रहे तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारे इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज या हमारे बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज hmm. वो हेल्थियर होंगे और हेल्प करेंगे हमारी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में मैं थोड़ी बैलेंस हो गई हूँ like, <laughs> <laughs> अच्छा तो तो ही होंगे बट थैंक योर विजडम टू डे विदरफुलविंग गुड वर्क नीड द लॉट ऑफ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय

ंग जड़ एट जी मेल डॉट कॉम दस टी आर ओ एनजी स्ट्रॉन्ग जे ए डी डी जड़ रूट का हिंदी वाला जड़ एट जी मेल डॉट कॉम या आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम सर्च फॉर श्रुटा एस एच आर यू टीज एट पी एच एंड नाउ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस एक मोमेंट में स्टॉप डूइंग वॉट यूर डूइंग एंड डू दिस विद मी राइट नाउ टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड रीद आउट And with that, see you next week on My Second Nature.